हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद एस मॉमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो मीशो की तरफ से लेके आई हूँ। मैं मीशो के बेबी क्लोथ्स लेके आई हूँ। कुछ मैंने अपने बेबी गर्ल के लिए ऑर्डर करे थे, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि उसकी क्वालिटी, मीशो की जो क्वालिटी है वो कैसी आई है। जो मैंने उसके लिए कपड़े मंगाए, कपड़े तो नहीं है, मैंने रॉम्बर्स मंगाए हैं मैंने रात में पहनने के लिए, बेबी के लिए स्लीप सूज जो होता है वो मंगाए हैं मैंने। तो नॉर्मली हम लोग फर्स्ट क्राई या हॉपस्टो से ऑर्डर करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक बार मीशो से मंगा के भी देखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी आती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्राई हो गया या फिर और कोई वेबसाइट हो गई जो बच्चों के लिए बनी हुई है, उससे कपड़े तो जेन्युइन तरीके से बहुत अच्छे तरीके अच्छे आएंगे, अच्छी क्वालिटी के आएंगे। मैं ये और जो मीशो से की जो क्वालिटी मंगाई है मैंने, ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी एकदम बेकार है या बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, एकदम बेकार कपड़े हम बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली मेरे को लगा कि एक बार मीशो से मंगा के हमें जो देखना चाहिए कि वहाँ की क्वालिटी कैसी आई, क्योंकि मैंने इसलिए स्लीव सूज मंगाए हैं, एक बार मंगा के देखे हैं कि एक बार इसी क्वालिटी देखती हूँ मंगा के, कि अगर अच्छी लगेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर इसको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इसके साथ में, ताकि आप लोग को भी अगर ऑर्डर करना हो तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। इसलिए मैं आगे वाला आज का जो वीडियो है वो आज मैं इसके लिए बना रही हूँ। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जो मीशो की जो मैंने रॉम्पर्स मंगाए हैं उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अगर आप लोग को मंगा के देखने हैं तो आप लोग वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह की पैकिंग में ये मैंने ऑर्डर किया था, और ये पैकिंग मुझे अभी परसों ही रिसीव हुई है, तो मुझे लगा कि पहले बना के मैं देख लेती हूँ वीडियो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली मैंने इसे वॉश कर दिया है, मैंने वॉश इसलिए करा है कि एक बार मैं वॉश करके भी देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं है इस क्वालिटी में, तो मैं बताऊँगी आपको। बाकी मैंने जैसे पैकिंग आई थी मैंने उस तरह से वॉश करने के बाद से पैक भी कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह की पैकिंग में आया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह की पैकिंग में आया हुआ है, पीछे से भी इस तरह से है, और यहाँ पर ये भी इसमें एज, हाइट, न्यू बॉर्न अप टू 3 months ओल्ड, 3 to 6 months ओल्ड, 6 to 9 months ओल्ड, 9 to 12 months ओल्ड, सारी चीज़ों के मेजरमेंट लिखे हुए हैं इस वाले पैकेज के पीछे। ये देखिए आप देख सकते हो इस पैकेज के सारे तरीके के मेजरमेंट लिखे हुए हैं। मैं आपको यहीं से अनपैक करके दिखाती हूँ उसको। ये देखिए इस तरह का ये 3 स्लीव सूट्स आए हैं, ये आप देख सकते हैं 3 स्लीव सूट, और देखिए कितने अच्छी तरीके से पैकिंग करी गई है। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी वॉश करने के बाद इस तरह से ही पैकिंग करी है, क्योंकि मैंने देख लिया था खोलते टाइम पे कि देखिए अगर मैं किसी चीज़ का रिव्यू कर रही हूँ, किसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ आपको जनरल चीज़ें, और स्पेशली अगर वो बेबीज़ के लिए है, तो मैं देखिए आपको 100% अच्छी चीज़ अपने यूज़ करने के बाद ही वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। ये चीज़ मैं आपको पहले ही ये चीज़ मैं आपको मैंशन करना चाहती हूँ इस वीडियो में कि मैंने वीडियो इसको वॉश करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इस तरह से करके फिर मैंने इसको वापस आपके सामने दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 3 रोम्पर्स आए हैं ये, और मैं देखिए इसको ये मैंने ऑरेंज कलर के मंगाए हुए हैं, इसमें कई सारे कलर ऑप्शंस थे, पिंक, ब्लू, रेड, काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे। तो मुझे मेरी बेबी गर्ल है तो मुझे लगे पिंक तो एक ही जैसा हो जाता है, तो मैंने को लगा कि ऑरेंज कलर मंगा के देखती हूँ कैसा लगता है। तो ऑरेंज कलर पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था, इसको मैंने पहनाया भी है एक बार। और ये देखिए इसका प्रिंट देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए आप प्रिंट्स, ये देखिए प्रिंट कितनी ज़्यादा सुंदर है, एनिमल्स प्रिंट्स है सारी ये। और देखिए वॉश होने के बाद इसका कलर बिल्कुल फेंट भी नहीं हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है इसमें। और ये जो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि 100% कॉटन है, और ये इसका जो ब्रांड है जो मीशो की तरफ से आया हुआ है वो मैजिक टाउन का आया हुआ है, मैजिक टाउन का ब्रांड है इसका, और ये 100% कॉटन है ऐसा वो दावा करता है, मीशो वाले ऐसा बोलते हैं कि 100%। और नॉर्मली सही बात है, मैंने इसे वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद ही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ श्रिंक होने वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आई है। ये एक इस कलर का रोम्पर है, एक ऑरेंज कलर का है इसी के साथ में जो मैंने बताया था मुझे, ये पूरा मैंने ऑरेंज कलर का है, एक ये वाला कलर है, और साथ में एक स्लिप वाली तीसरा वाला ये है। तो 3 रोम्पर्स आए हैं मीशो की तरफ से जो मैंने मंगाए हैं रिसेंटली अभी, ये देखिए। और इसकी क्वालिटी की बात करती हूँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट क्वालिटी है, बेबी को पहनने लायक है। और मेरे को लगा कि पहना के एक बार मैं वॉश करके मैंने उसे पहनाया था, तो एक होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा वैसे कपड़े रहते हैं जो चुभने वाले कपड़े होते हैं, वैसे नहीं है, प्योर कॉटन के कपड़े हैं, धुलने के बाद भी श्रिंक नहीं हुए हैं। आप इसे आराम से इसको वियर कर सकते हो, बच्चों को वियर करा सकते हो, पहना सकते हो, स्पेशली नाइट में। अब बरसातों का टाइम आ जाएगा तो आप नॉर्मली बात है कि मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप नॉर्मल प्रेफर करोगे कि हम फुल रोम्पर्स बनाएं या फुल कपड़े बनाएं, तो उसके लिए बेस्ट है घर में बनाने के लिए, या फिर अगर आप नाइट में इस बच्चों को सुला रहे हो, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिली है मुझे इसकी।
और मैंने जो साइज मंगाया अभी नॉर्मल, मेरी बेटी अभी 9 मंथ्स की है और मैंने इसको मंगाया है 12 to 18 मंथ्स का, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कपड़े अगर आप थोड़े से बड़े मंगाओगे 12 to 18 मंथ्स में, क्योंकि रॉम्पर एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा लंबाई खींचता है जब ना तो वो छोटा हो जाता है। मैंने एक्चुअली मैं अभी कुछ टाइम पहले के रॉम्पर्स लिए थे वो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे थे, तो मुझे ये प्रॉब्लम आई थी कि उसमें छोटा हो रहा था वो साइज उसका, तो फिर मैंने एक मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करे थे उसका। अभी देखिए जैसे बरसातों का टाइम है तो आप इसे पहना सकते हो, और रॉम्पर्स हमेशा बड़े साइज के लीजिए, क्योंकि बड़े साइज की मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बड़े साइज के रॉम्पर्स लोगे अगर आप तो बच्चे जो जैसे लंबाई खींचता है तो वो लंबाई आराम से, मैं जैसे मैंने जो रॉम्पर्स लिए हैं 12 to 18 मंथ्स के लिए हैं, थोड़े से बड़े साइज के लिए, जो मेरी बेटी है अभी 9 मंथ्स की है, तो मुझे लगा कि थोड़े बच्चे तो वैसे जल्दी जल्दी ग्रो कर जाते हैं तो अच्छा रहेगा, मतलब बच्चा खुला खुला फील करेगा, ऐसा नहीं होना कि हम रॉम्पर पहनाएं और बच्चा अपने हाथ पैर तक ना खोल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा बड़ा साइज मंगा लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा बच्चा अभी इतने चलेगा आपका, साल भर में बच्चा चलेगा तब तक तो इसके बराबर में आ ही जाएगा, बराबर साइज में आ जाएगा। और स्लीव सूट की तरह यूज़ कर सकते हो आप इसको नॉर्मल बाहर जाने के लिए, बाहर अगर बरसात में कहीं बाहर जा रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो रॉम्पर से ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, मतलब आराम से आप इसे कहीं भी वेयर कर सकते हो, तो बच्चे कहीं भी वेयर। और देखिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे आए हैं, ये देखिए ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का स्पेशली होता है कि जो डार्क कलर्स होते हैं जल्दी से कलर छोड़ देते हैं, इसे जैसे जो मैंने कलर पहना ये भी कई बार कलर छोड़ देता है, तो वैसे ही डार्क कलर से होते हैं ना वो मोस्टली कलर छोड़ देते हैं। तो मैं इसमें आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब भी आप डार्क कलर कपड़ों को धो तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल के फिर आप कपड़ों को वॉश करो, इससे कि कलर बच्चे जो कलर्स होते हैं डार्क कलर्स वो फेंज नहीं होते हैं और उसका वो कलर वैसे का वैसे ही रहता है। बहरहाल तो मैंने इसमें कोई नमक नमक नहीं डाला था, ये मैंने नॉर्मल प्लेन पानी से वॉश करा है, डिटॉल डाल के वॉश किया है मैंने इसको, तो ये काफ़ी अच्छे रहे मेरे को, इसकी अच्छा क्वालिटी रही अच्छी। और इसके रेट की बात करूँ तो ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 441 रुपीज़ के मुझे 3 रॉम्पर्स मिले हैं, और रेट भी सही है, ठीक है 3 रॉम्पर्स अगर 400-450 रुपये तक के मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने महंगे भी नहीं है और तो सस्ते भी नहीं है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके अगर आपको परचेस करना है वहाँ पर परचेस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, देखते शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।